स्टोमाटाइटिस, मुखपाक या फिर आम भाषा में जिसे हम कहते हैं मुंह में छाले बनना। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, इसमें क्या कॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट का भी पार्ट देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। स्टोमाटाइटिस, अगर हम इसका विग्रह करते हैं, स्टोमा और टाइटिस, स्टोमा यानी मुंह और टाइटिस यानी इन्फेक्शन। तो मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो कंडीशन होती है इसे स्टोमाटाइटिस कहते हैं। तो ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खान पान के बहुत ज़्यादा हाल होते हैं। कई लोगों के मुंह के छाले 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं, कई लोगों के इसे कई दिन लगते हैं, 10-15 दिन तक भी ये ठीक नहीं होते। मुंह के छाले बनते कैसे हैं? देखिए, कई लोगों के जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और ये जो दांत गालों के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर घिसने के वजह से वहाँ पर चोट हो जाती है, चोट लग जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे छाले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर कई लोगों के जो दांत होते हैं वो शार्प तो होते हैं टेढ़े मेढ़े होने के कारण, और ऐसे लोग अगर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो ऐसे में भी दांतों के नीचे जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, गाल के अंदर की जो त्वचा है, वो आने के वजह से या फिर जीभ दांतों के नीचे आने की वजह से भी मुखपाक यानी स्टोमाटाइटिस हो सकता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तीखा, खट्टा, नमकीन ऐसी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, ऐसे लोगों में भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन में छाले बनने की प्रोसेस होती है। टाइफाइड के फीवर के बाद भी कई लोगों को मुँह में छाले बनते हैं, या फिर जो नॉर्मल इन्फेक्शन वाला फीवर होता है उसके बाद भी या फिर उसके समय भी कई लोगों को मुंह के अंदर छाले बनने स्टार्ट होते हैं। कई लोगों का हजमा बार बार ख़राब होता है क्योंकि उन्हें ठीक से भूख ही नहीं लगती, और भूख न लगने की वजह से वे खाना खाते हैं, फिर उसमें इनडाइजेशन हो जाता है जिसके वजह से कई लोगों को मुँह के छाले बनने लगते हैं। तो ऐसे में भूख लगने की जो प्रोसेस है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि डाइजेशन अच्छे से होगा और मुखपाक या मुँह के छाले नहीं बनेंगे। और ऐसे ही इनडाइजेशन बार बार होते रहेगा तो इसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता होगी, और ऐसे में भी टॉक्सिन्स रीअब्सॉर्ब होके और मुंह में छाले बनेंगे। इसमें तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, वात, पित्त और कफ, जिसके वजह से इसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे वात की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चुभन जैसी होती है, कुछ भी खा या पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऐसे में कुछ खाने पर वहाँ की जो जलन है वो बढ़ जाती है, वहाँ पर ऐसे मोटे मोटे कांटे जैसे दिखने लगते हैं, वहाँ का जो सलाइवा होता है वो भी थोड़ा एसिडिक होने लगता है, छाले होते हैं बहुत ज़्यादा लाल और दर्दनाक होते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर हम तीखा, नमकीन या फिर खट्टा खाते हैं, इवन मीठा खाने पर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऐसे समय पर सॉलो करने के लिए, निगलने के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। अब इसकी ट्रीटमेंट का पार्ट देखते हैं। अगर टाइफॉइड की वजह से या फिर अन्य कोई फीवर की वजह से आपको मुंह में छाले आते हैं तो उस फीवर को, उस बुखार को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन यानी मलबद्धता की वजह से आपके मुंह में बार बार छाले बनते हैं तो पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कैस्टर ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप चूर्ण अपनी प्रकृति के हिसाब से ले सकते हैं। हो सके तो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करिए क्योंकि जो आंतों को चिपका हुआ जो मल है इसे अच्छे से बाहर निकालने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत अच्छे से मदद करता है। इसकी डिटेल जानकारी का एक वीडियो है, वो आप ज़रूर चेक करें। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाने की वजह से आपको वहाँ पर चोट लगती है तो आप थोड़ा धीरे धीरे खाएं, संभल कर खाएं, और अपना जो निवाला है वो 32 टाइम्स चबा चबा कर खाएं, क्योंकि खाने को पीना है और पानी को चबा कर खाना है। इसके वजह से आपके शरीर में कोई दोष नहीं बढ़ेंगे, टॉक्सिन्स न बढ़ने की वजह से भी आपके मुंह के छाले नहीं बनेंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने पाचन तंत्र की शक्ति बढ़ाए, डाइजेस्टिव फायर की ताकत बढ़ाए, और जो खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है उसे हजम होने के लिए भी कई सारे ऐसे मेडिसिंस हैं जो आपके पाचन तंत्र को रेगुलेट करेगा। जैसे त्रिकटू नाम का एक चूर्ण है जो आप हनी और घी के साथ लेते हैं या फिर आप घी के साथ लेते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को नॉर्मल करने के लिए भी मदद करता है। जब आपके मुंह के छालों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक चुभन जैसा दर्द होता है, ऐसे समय पर आप वहाँ पे हनी लगा सकते हैं। जो आपके घर में नॉर्मल हनी पड़ा होता है बस उसे लें और अपने पूरे मुंह के अंदर उसे पेस्ट कर लें, एक क्रीम की तरह उसे अच्छे से लगाएं और जो भी सलाइवा है उसे नीचे गिरने दें, यानी निगले नहीं। अब ऐसे में होगा क्या, जो हनी होता है वो एक
बहुत उत्तम व्रणारोपक करके काम करता है, यानी वो जो चोट है उसे हील करने के लिए ये मदद करता है। तो ऐसे में आपके जो छाले हैं वो बहुत जल्दी ठीक होने के लिए मदद होगी। इसके अलावा आपके खान पान में आपको गाय के घी का इस्तेमाल करना है, ये शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। आप सुबह शाम या फिर आप अपने खान पान में दूध में या फिर दाल में घी का इस्तेमाल करें। इसके वजह से भी जो शरीर में बढ़ा हुआ अतिरिक्त दाह है वो भी कम होगा और छाले भी जल्दी ठीक होने के लिए मदद होगी। ऐसे समय पर कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे समय पर आप जो पफ राइस होते हैं जिसे हम शारी के लाया कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका पानी आप पी सकते हैं जिसके वजह से आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा, पेट में भी कुछ आहार जाएगा और आपको ताकत बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा तीखा मसाले नमकीन या फिर खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको षड रसात्मक मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये जब आपके मुख पाक हील हो जाएंगे तब आपको षड रसात्मक आहार लेना है। ऐसे आहार आपके शरीर के सप्त धातु को मेंटेन करने के लिए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को नियमित रखने के लिए, डाइजेस्टिव फायर की ताकत बनाए रखने के लिए मदद करता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये मुख पाक मुँह में छाले बनने की जो जानकारी है ये अच्छी लगी है। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देखें या फिर ये वाला। नमस्कार।